कचौड़ी तोड़ते ही अगर उसका मसाला अलग हो गया तो कचौड़ी बेकार है। और मैदा मसाला दो जिसमें एक जान की तरह चिपके हुए हैं, उसका नाम है कचौड़ी। सूखी कचौड़ी को खा के टेस्ट कर, देख मजा आ रहा है कि नहीं पता। क्या वाला है, वाह एकदम बढ़िया करारेदार शुद्ध देसी घी की कचौड़ियाँ। अब ये दम आलू के साथ दे रहा हूँ, ये खट्टा मीठा लेगी तो ये खट्टा मीठा भी ले। इन दोनों को टेस्ट कर पहले, फिर उसके बाद में ये आयुर्वेदिक झोल डलवाना। तो आयुर्वेदिक झोल, क्या बात है। दर्शन तो मेरे बिहारी जी का कर, कभी वृंदावन जाए तो तटीय स्थान जाना। तू तटीय स्थान वो जगह है, तेरा आगरा जाना कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कन्हैया बैठा मिलेगा तेरे को। कन्हैया जी हर मंदिर में माया मिलेगी। अरे कन्हैया वहीं बैठा मिलेगा। अच्छा, नोटों की गड्डी लेके ढोलेगी ना उस मंदिर में, रुपया मांगने वाला नहीं मिलेगा कोई भी। और बगैर पैसे के ऐसा प्रसाद मिलेगा वहाँ पर जिसको देवता तरस रहा है। ओहो हो, ऐसा है, ऐसा मंदिर। आइए सर, कहाँ से आए हैं? सतना। सतना, रीवा सतना। क्या बात है, ढोकला का क्या है इतना बड़ा ढोकला? नहीं बेटे, ये ढोकला ऐसा है कि पूरा पीस अकेले खा जाएगी तू। यहाँ लोकल में दावत हो रही है, एक एक दावत में 50-50 तरह की मिठाई चलती है। तोड़ना पाप है, वो मिठाई साबत दी जाएगी। राजभोग अगर तोड़ दिया तो पाप लगेगा, पूरा पीस जाएगा। ले आ गया तू आयुर्वेदिक झोल है। हाँ बेटा, इसको चाय की तरह घूट लगा। अच्छा, हाँ ऐसा है क्या? चाय की तरह 30 रुपए प्लेट में मिलेगा ये? चाय की तरह घोट लगाया और आयुर्वेदिक झोल है ये, भाई मजा आ गया। देखो एक बार टेक्सचर, मतलब इसको कहते हैं कचौड़ी, के लिए नाम है मथुरा के रूपा कचौड़ी वालों का। मतलब वाकई में नाम भी है और खाने में टेस्ट भी है। सूखी सब्जी के साथ, चटनी के साथ दिए, ये देखिए मजा आ गया। अगर आप एक कचौड़ी ले रहे हो ना तो आपको एक के साथ दो चार कचौड़ी खाने का मन हो जाएगा, ये इतनी ज्यादा टेस्ट। मथुरा आ रहे हो और अगर रूपा कचौड़ी वालों की कचौड़ी नहीं खाई तो मथुरा आना अधूरा है भाई। जिस तरीके से बाकी बिहारी जी के दर्शन करते है ना, भैया कैसी लग रही है कचौड़ियाँ? मस्त लग रही है, नाम है इनका रूपा कचौड़ी वाले। नाम सुन के आए हो, खाना के टेस्ट के? हम तो मथुरा के रहने वाले हैं, बिहारी जी की कृपा से इनकी कचौड़ी हमको डेली सी मिलती है, हमको तो डेली है का आनंद। सुबह का रास्ता यही होता है? नहीं होता है, द्वारका जी के दर्शन, यमुना मैया की कृपा है। कृपा और रूपा कचौड़ी वालों का नाम बहुत बहुत दूर तक आते हैं इनको फेमस। जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। डेली वाले हम तो डेली खाते हैं। और आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कचौड़ी था। मजा आ जाता है, मजा, बहुत मजा। कलकत्ता? कलकत्ता में? कलकत्ता तो बहुत बड़ा है। कलकत्ता कौन नगर में ससुराल है? कौन नगर? कौन नगर में ससुराल है मेरा? मजा आ गया, एवरेज है, और अच्छी लगी कचौड़ी। अच्छी थी, मजा आ गया। कहाँ से आए? बीकानेर से। यहाँ पे ढोकले भी खाएंगे, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा जलेबा भी मिलेगा, प्योर देसी घी का। ये लो चिकन कचौड़ी, ये देखो जलेबा भी बन रहा है और यहाँ गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया सी कचौड़ियाँ बन रही है, वो भी प्योर देसी घी के अंदर। खाने वालों की दीवानगी भी देख लो भाई, सुबह सुबह का टाइम है तो आप लोग नाश्ता करने आए हैं। इतना बड़ा ढोकला तू कह तो कम कर दूं, अकेले खा जाएगी ऐसा है। अरे भाई साहब, अरे भाई डालूंगा वो सब, एक से एक नया आइटम डालूंगा, एक एक से एक नया। ये वो मिर्ची है आगरे में ढूंढने नहीं मिलेगी। अच्छा बेटा, पका काशीफल साग, काशीफल का मीठा साग रखो। ये बेटा काशीफल को साग छोरी है। कौन जगह? उदयपुर। बढ़िया लग रहा है, उदयपुर से आए। उदयपुर से भाई, ये देख लो भाई ढोकला, बहुत सारा ढोकला आ चुका है मेरी पूरी प्लेट के अंदर। ये लो जी, खा के देखते हैं। बहुत टेस्टी है यार। अंकल ने बोला ये तो पूरा ढोकला खा लोगी, मैंने भी ले ली पूरी प्लेट, ट्राई करते हैं। ये मजा आ गया पूरा ढोकला खा के और कचौड़ियाँ खा के। इसके साथ ही यहाँ पे आपको गुजराती बढ़िया बढ़िया सी डिश मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में एक बार राधे राधे जरूर बोलना। पर आप भी कभी मथुरा वृंदावन के दर्शन करने आ रहे हैं तो मथुरा में रूपा कचौड़ी वालों के पास आना है। लोकेशन मैं पूछ लेती हूँ, अगर किसी को आना होगा तो कहाँ आएंगे ये और बता दीजिए। विश्राम घाट। अच्छा, अगर बंगाली घाट होते हुए आया तो गाड़ी पास में आ जाएगी।
अगर जन्मभूमि से आ रहा है तो उसको 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। मोबाइल पे देख के उसको मोबाइल पे देख के आए, वो टीवी पे देखे आपको, इसलिए आज आए तो बोला आपके दर्शन भी कर ले। आनंद आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर से आए हैं। बताइए टाइमिंग और बता दीजिए। सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट है नाश्ता। अच्छा। और दोपहर 2 बजे तक।